Hey lovely, you should change your nail paint. It's old fashioned. You must follow the trend. Actually, I am not easily swayed by trend. Not easily swayed by trend, swayed by something या swayed by someone. इससे मतलब क्या होता है? किसी चीज से आसानी से प्रभावित होना, influenced हो जाना उस चीज से, तो बोलते हैं swayed by something. जैसे मैं ट्रेंड से इतनी जल्दी आसानी से मैं इतना ट्रेंड से आसानी से प्रभावित नहीं होती हूँ. आज के जो समाज में चल रहा है उससे मैं इतनी आसानी से प्रभावित नहीं होती हूँ. मैं तो उन्हें बोला आई एम नॉट इजली स्वेड बाई ट्रेंड. टू बी स्वेड बाई समथिंग और समवन से मतलब किसी चीज़ से आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाना, इजली इन्फ्लुएंस हो जाना चीज़ करा और उसी को फॉलो करने शुरू कर देना. तो स्वेड बाय समथिंग. नाउ डेज पीपल आर स्वेड बाय ट्रेंड, स्वेड बाय फैशन, स्वेड बाय ड्रेसेस, स्वेड बाय वॉचेस. किसी से आसानी से प्रभावित हो जाए. आई सॉ माई टीचर इन क्लासरूम, आई गॉट स्वेड बाय हिज वे ऑफ टीचिंग. डू यू ऑल्सो गेट स्वेड बाय ट्रेंड और यू यूज योर ब्रेन? हाउ प्लीज कमेंट दिस एंड प्रैक्टिस नाउ. इंग्लिश सीखने के वेस्ट जो लेते इंग्लिश. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.